ही गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और 11 बज गए, ब्लॉग काफ़ी लेट शुरू हो पाया आज। तो आज अभी हम लोग जो है शाहजहाँपुर के लिए निकलेंगे, तो पानी अभी जो है रेडी हो रही है, तो आई थिंक वही 1:30-2 बजे के आसपास में निकल पाएंगे। शनाया जो है नहा धो के रेडी हो गई हैं, तो मैंने तो लंच भी कर लिया है, बाकी अनि लंच कर लें, थोड़ी बहुत पैकिंग रह गई है। पैकिंग बाद हम लोग निकलने को थे सुबह जल्दी मॉर्निंग में, बट अनि की सारी पैकिंग और सब मतलब वो तो अपना धीरे धीरे ऐसे ही कर रही है, तो देखो कितना 1:30-2 बजे से पहले निकलने कोई सवाल नहीं है। और भाई अभी मेरे बर्थडे वाला केक अभी भी चल रहा है, इसके जो अंदर वाला है ना वो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। अच्छा मिल्क चाहिए, पीलो पीलो पीलो, लाओ खोल देते हैं। है बाय, आप बताओ, रहने दो, बाय बाय बाय। और बाद में सबसे अच्छा जो है निकलना रहता है सुबह मॉर्निंग में, जल्दी या तो निकलो या फिर शाम को निकलो। और मुझे तो बाय द वे काफ़ी तेज नींद आ रही थी, मैं तो सो भी गया था, एक झपकी भी लग गई थी, फिर मैंने अच्छे से मुंह धोया और अब जाके हम लोग निकले। तो वही अगर लगातार गाड़ी चलती रही तो 3 घंटे लगेंगे पूरे, 3:30, 4:30, 5:30 बजे तक जो है आराम से पहुँच जाएंगे। तो अब हम लोग जो है 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और आ गए हैं संडीला। संडीला के लड्डू बताया जा रहा बहुत फेमस है, एक ज़माने में कभी फेमस रहे होंगे अंग्रेज़ों के ज़माने में, बट अब तो सिर्फ चीनी मिलती है उसमें। तो मैंने तो आज तक कभी खाया नहीं, जबकि इधर से ही हमेशा लखनऊ आना जाना रहता है। और शनाया भाई ने सोने में लगी हुई है एकदम मस्त, इनकी नींद जब तक ये घर जाएंगी एकदम अच्छे से नींद इनकी पूरी हो जाएगी, और फिर ये पापा मम्मा को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी, 12-1 बजे तक सोएंगी। संडीला तो पार हो गया और इसके बाद में जो है हरदोई में एक स्टे लेंगे, तो टाइम हो गया है 2:30 हो गया, मतलब पूरा 1 घंटा लगा है 60 किलोमीटर कवर करने में, बट आज जो है दूरी पता नहीं चल रही है, आराम से घर पहुंच जाएंगे। कभी कभी तो भाई इतनी दूर में जो है पूरा बोरियत फील होता है, उसके साथ बातें करते जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा टाइम का, कभी कभी बातें अच्छी करती हैं तो नहीं पता चलता है, कभी कभी तो मूड ख़राब करती हैं, बातें कर रही हैं मेरे हिसाब की तो मुझे सही लग रहा है। बाद में मेरे लिप्स एकदम ड्राई हो गए, पता नहीं क्यों, कार में एसी की वजह से। तो ऐसे ही अभी बर्गर की बात चल रही कि बर्गर सबसे अच्छा कहाँ का, तो मैंने इनसे बोल दिया मैकडोनाल्ड। तो ये 2-3 बार मुझे जो है कह चुकी हैं मैकडोनाल्ड नहीं मैकडोनाल्ड। और अब हरदोई पहुंचने वाले हैं, यानी कि प्लानिंग बन रही है कि क्या खाओगे आप, तो देखो घर के लिए भी एक्चुअली कुछ ना कुछ पैक कराना है, तो हरदोई पहुंचे तब पता चलेगा क्या। और इन्हें बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि कॉफ़ी पीने का मन नहीं, मतलब कॉफ़ी आई थिंक काफ़ी दिनों से चिल्ला रही हैं बट इन्हें कहीं ढंग की कॉफ़ी नहीं मिल पा रही है। और जितने महंगे रेस्टोरेंट पर जाओगे उतनी ही वहाँ पर सड़ी हुई कॉफ़ी मिलेगी, इन्हें चाहिए दूध वाली कॉफ़ी, एकदम बिल्कुल क्रीमी हो, एकदम बटरी, बट वहाँ पे जो है भाई पानी दे देते वो। भाई कॉफी की मीनिंग समझो तुम, कॉफी का मतलब क्या होता है, कॉफी का मतलब दूध से नहीं है, कॉफी ओरिजिनल है ना, अच्छी क्वालिटी की है तो फिर तो भाई वो कड़वी ही होगी, दूध वाली पीनी है तो चाय पियो आप। और आज स्काई एकदम ब्लू ब्लू दिख रहा है। तो भाई देवे हम लोग हरदोई आ गए और मम्मी जी के लिए एक आइटम मुझे दिख गया है जिसे बोलते हैं धरती के फूल, तो वो ले लेते हैं। कितने रुपए में? ₹100 के ले लिए। अरे मेरा बेटा उठ गया, हेलो, कहाँ गई हो पता है आपको? पापा गए। कहाँ गए पापा?
अब वो लेने जा रहा था तभी। अरे मेरा बेटू उठ गया, इसकी नींद पूरी हो गई ना, घर जैसे जैसे जा रहा है उतने ज्यादा खुश होता जा रहा है ना। घर पहुंचेगा तब तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा ना। सुनाया दादी से मिलना है ना, इधर देखो, हाँ बुआ जी से मिलना है ना, चाचू वेट कर रहे हैं आपका। बेटू क्या खा रही हो? तो शनाया मम्मा के साथ खा रही है कबाब पराठा, हरदोई का फेमस। मैं भी खा रहा हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे देखा तो बहुत बार, बट मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, क्योंकि अनी को मैंने बताया तो उन्होंने कहा खा लिया जाए, काफी सही है, घर के लिए भी पैक करा लिया। कैसा लगा शनाया आपको, कैसा लगा? आज खा लो जितना खाना है, फिर कल से डाइटिंग शुरू। शनाया की तो डाइटिंग ही रहती है ना। आज मेरे पास भी आज आखिरी मौका है, फिर तो कुछ दिनों के लिए जो है पूरा माहौल ठंडा हो जाएगा, डाइटिंग वाला हो जाएगा। बेटू आपने इतना सब गिरा दिया। बेटू कैसे ट्राई कर लेते हैं अगर अनी के लिए कॉफी मिल जाए, क्योंकि ये कॉफी कॉफी चिल्ला रही है। और वो दे दीजिए चिप्स। चिप्स क्या आया भाई, ये भी लेगा, ये भी ले ले। बच्चे का थोड़ा ध्यान रख, तुम सोचे थे कि आप बैठो बच्चे को, वो हम पकड़ लेंगे, रुके रहे ना। जल्दी भी हो यार तुम, अपनी निकलना भी है भाई। तो एक्चुअली सीन क्या हुआ कि मैंने अपनी फाइल्स जो है, जो कि मुझे घर ले जानी थी, वो यहीं रखी हैं। तो पिछली बार मैंने सोचा कार में कहाँ ला देंगे, जो है रिटर्न में आएंगे तब रख लेंगे, बट अब मूड नहीं हो रहा वहाँ जाएं फिर फाइल्स वगैरह सारी उठाएं। आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, कब से चिल्ला रही थी कॉफ़ी कॉफ़ी, चलो आज फाइनली कॉफ़ी पीते ना। काओ देखनी है काओ? हाँ। वो देखो 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 शना को काओ दिखा दो भाई, देखो 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 आ जाओ। हाँ काओ 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 ये आ गई, देखो दिख रही है ना आपको, दिखी नहीं क्या? काओ गई काओ गई काओ गई काओ गई। तो अभी जो है कार में पेट्रोल भरवाना है, पेट्रोल भरवाने के बाद में फिर निकलते हैं यहाँ से, और 4:15 हो रहे हैं, एक घंटे में आराम से। दूध साइड हो गया, कितना दूध आपने पी पाया बस? क्या यार बच्चे हैं आजकल के, बहाना बाजी बहुत चाहिए। भाव दिखा दो, दूध पी लेंगे। भाव पकड़ लिया, दूध रह गया। तो वनी ने जो है पूरा दुपट्टा वगैरह डाल लिया है, क्योंकि यह ससुराल आने वाला है इनका, और जब मेरा ससुराल आने वाला होता तो मैं मास्क लगा लेता है ना। और इधर जो है काम चल रहा है रोड बनने का, इसलिए पूरा जो है पानी भरा हुआ है, लग रहा पानी की टंकी लीक हो गई है तभी इतना पानी भर गया यहाँ पे। अच्छा उधर जो है पानी उधर से पाइप से निकाल के बाहर छोड़ रहा है रोड पे। और फाइनली शनाया घर पहुँचने वाली है ना बेटू, अपना स्लीपर वगैरह पहनने की तैयारी में लगी हुई है, पहना देने जल्दी से स्लीपर, नहीं भागेंगे उधर। तो शनाया पहुँच चुकी है फाइनली अपने घर, बट कोई अभी गेट नहीं खोलने आया है। आ जाओ या बैठ ही रहोगी? मम्मी जी आ गई हैं, आ जाओ। हले हले, अरे वाह चली गई, मुझे लग रहा पहचान नहीं पाएंगे। और इधर काफी सारे फ्लिपकार्ट के जो है बॉक्सेस पड़े हैं, तो इन्हें ओपन करके देखना पड़ेगा क्या क्या। पहचान लिया कौन है, चाचू को पहचान पाया नहीं? और शराया का ड्रम ड्रम भी लेके गई थी शराया। तो मैंने दोबारा से नहा लिया है और शाम के 6:30 हो गए हैं। बाकी सनाया तो जो है अपना बाबा दादी से नीचे मिलने में लगी हुई, अभी तक जो है रूम में नहीं आई है, तो वहीं नीचे अपना मस्ती कर रही हैं, काफ़ी दिनों बाद मिली हैं। तो बाय द वे मुझे भी जो है अभी काफ़ी ज़्यादा काम है, कुछ फाइल्स वगैरह सेट करनी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज वाला ब्लॉग यहीं एंड कर देता हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।